Hi everyone, this is Gaurav. Hope you guys are doing well. So in the lecture series of biomedical instrumentation, we are discussing presently the unit 3, okay? And today I will be discussing a topic that is non-contact infrared thermometers. आपको ये मालूम होना चाहिए कि traditional thermometers में क्या आते हैं, हमारे जैसे mercury thermometer आता है, ठीक है? But आज जो हम लोग का discussion है, जहाँ पे हम लोग non-contact infrared thermometer के बारे में जानेंगे, और non-contact infrared thermometer जो basically इसका कंसेप्ट है, वो अगर आप देखोगे इसके एप्लीकेशन प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में बहुत जगह पे हैं, जहाँ पे आप सरफेस पे किसी भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट का सरफेस टेम्परेचर मेज़र करना है, इंसुलेशन का टेम्परेचर मेज़र करना है, तो ऑल सच स्टफ़ जो प्रोसेस इंडस्ट्री का है वहाँ पे इसका काफ़ी प्रोमिनेंस है। बट अभी प्रेजेंटली कोरोना वायरस जो पेंडेमिक की क्राइसिस है, वहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ दी प्लेसेस पे क्या लॉकडाउन अब ख़त्म हो चुका है। तो उसके कारण हो क्या रहा है कि जैसे ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ठीक है, बैंक्स हैं, तो वहाँ पे जो स्टाफ जा रहा है तो उसकी थर्मल टेम्परेचर मेजरमेंट उसका अगर देखा जाए वो किया जा रहा है बाय इंफ्रारेड गन्स, ठीक है। और दोज इंफ्रारेड गन्स आर बेसिकली दीज टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स विच आर नॉन कॉन्टैक्ट, एक या दो इंच के डिस्टेंस पे फोरहेड के थ्रू, लेजर डायोड के थ्रू, इंफ्रारेड डिटेक्टर्स के थ्रू एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज डिग्री सेल्सियस में जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है या जो भी पर्टिकुलर ह्यूमन बींग है वहाँ से टेम्परेचर उसका मेज़र किया जा सकता है। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब रेंज से तो अलार्मिंग सिस्टम रहता है गन में, रेड कलर का सिग्नल आएगा, ठीक है, तो वो वहाँ से आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक। तो इस पर्टिकुलर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से हम लोग ये जानेंगे कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कितने तरीके के इंफ्रारेड डिटेक्टर्स होते हैं, इंफ्रारेड डिटेक्टर्स का क्या काम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारा ये पूरा जो इंफ्रारेड थर्मामीटर है, जो एक तरीके की गन है, इसका एक्चुअली क्या ब्लॉक डायग्राम है और उसकी वर्किंग क्या है। तो इन सारी एस्पेक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो से, ठीक। तो सबसे पहले नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मामीटर्स, अगर इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स देखे जाए तो एक तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर उससे इंफ्रारेड रेडिएशन हो रहा है तो इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट होगा, ठीक। तो वहाँ पे क्या है, थर्मल रेडिएशन जो हो रहा है उसको मेज़र किया जा रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड डिटेक्टर, ठीक। प्रेजेंटली ये देखा गया है कि लेज़र थर्मामीटर्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से तो अभी मैंने इंफ्रारेड डिटेक्टर्स के बारे में बात की, वहाँ पे क्या है कि हमारे पास थर्मल डिटेक्टर्स होते हैं उसमें, या तो हमारे पास क्या होंगे, फोटो डिटेक्टर्स होंगे। थर्मल डिटेक्टर्स थोड़ा उनका रिस्पांस स्लो रहता है क्योंकि टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होता है, तो फोटो डिटेक्टर्स को प्रेफर किया जाता है, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो लेज़र थर्मामीटर काफ़ी प्रोमिनेंस में है, ठीक है। समझते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि अगर कोई ब्लैक बॉडी है तो उसका जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, ठीक है, अगर उस ब्लैक बॉडी के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, कोई भी एंगल हो, ठीक है, अगर इंसिडेंट होता है तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी का मतलब ये है कि वो कोई भी या जितनी भी अमाउंट या किसी भी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंसिडेंट हो रही है वो पूरी की पूरी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा ब्लैक बॉडी, ठीक है। बट जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये कहता है कि ऐसी बॉडीज़ को अपना थर्मल इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन करना रहता है। तो अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेंगे तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट हुई थी और जो उन्होंने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही सेम पैकेट ऑफ एनर्जी उनको रेडिएट भी करनी है। इसका मतलब कोई भी बॉडी अगर है तो वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रेडिएट करेगी। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ यही कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो वो एनर्जी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये चीज़ मेंशन है, जहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के बारे में बात हुई है, जहाँ पे एनर्जी क्या है हमारी, सिग्मा टी की पावर 4 है, ठीक, टेम्परेचर की पावर जो है 4 है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि जो भी रेडिएटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, रेडिएटेड हीट है, वो बेसिकली टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक। सिग्मा हमारा, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है जो कि एक तरीके का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, आप इसको अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक। तो यह तो कॉन्सेप्ट हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। अब सपोज करते हैं कि इंफ्रारेड डिटेक्टर क्या होते हैं, क्योंकि यही हमारा क्रूशियल पॉइंट है, इसी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैंने आपको बताया
कि इंफ्रारेड डिटेक्टर का सबसे बेसिक फंक्शन क्या है, कि ये इंफ्रारेड जो एनर्जी आती है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगी। दो तरीके के इंफ्रारेड डिटेक्टर्स होते हैं, एक तो थर्मल डिटेक्टर होगा और दूसरा क्या होगा, फोटो डिटेक्टर होगा। थर्मल डिटेक्टर जो होते हैं या तो वो थर्मोकपल के बने होंगे, ठीक है, या फिर आपने टर्मिनोलॉजी यूज सुनी होगी थर्मोपाइल, और या फिर वो बने होंगे थर्मिस्टर बोलोमीटर्स के। तो थर्मल डिटेक्टर हमारे इन तीन चीज़ों से बनते हैं। अब थर्मल डिटेक्टर क्या है, इनका टाइम कांस्टेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसके कारण इनका रिस्पांस क्या हो जाता है, स्लो। बट इनकी एक खास जो इनके एक खास फीचर जो है वो क्या है कि ये कांस्टेंट सेंसिटिविटी प्रोवाइड करते हैं ओवर लॉन्ग वेवलेंथ रीजन, ठीक है। अगर कांस्टेंट सेंसिटिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं ओवर लॉन्ग वेवलेंथ रीजन तो ये इनका एक स्पेसिफिक फीचर है। इस और अगर हम लोग फोटो डिटेक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो फोटो डिटेक्टर्स में क्या है कि वो फास्ट होते हैं, विद इन 2 सेकेंड में आपको टेम्परेचर अगर आप मीज़र कर रहे हैं तो 2 या 3 सेकेंड में आपको टेम्परेचर आप मीज़र कर लोगे, ठीक है। तो IR डिटेक्टर सेंसर का कॉन्सेप्ट ये है। आपके सामने यहाँ इस पर्टिकुलर फिगर में देखिए एक ऑब्जेक्ट है, ऑरेंज कलर का ऑब्जेक्ट ये बना हुआ है, ठीक है, ये एटमॉस्फियर है। यहाँ 1 या 2 इंच के आसपास होगा, अगर एक ह्यूमन बींग है तो उसका मान लीजिए उसका जो फोरहेड है वहाँ पे हमको बेसिकली लाइट को ट्रिगर करना है। तो वहाँ से सपोज करिए इंफ्रारेड हमारा जो भी फोरहेड है तो वहाँ से फोरहेड से जो भी हीट एनर्जी रेडिएट हो रही है, इंफ्रारेड जो डिटेक्टर होगा, ठीक है, इंफ्रारेड डिटेक्टर होगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में देखिए एक 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये पूरा एक सपोज करिए यहाँ पे एक डिटेक्टर है, एक प्री एम्पलीफायर है, और तीसरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट का मतलब क्या है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट होगी, ठीक है, ठीक, आर्डिनो यूनिट होगी या मल्टी माइक्रो कंट्रोलर यूनिट होगी। तो इसका मतलब क्या है, IR डिटेक्टर होगा, उसके बाद एक हमारे पास एम्पलीफायर होगा, उसके बाद हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर यूनिट होगी या आर्डिनो होगा, जहाँ पे आप टेम्परेचर के मेजरमेंट को जो भी कन्वर्जन है जो भी प्रोग्रामिंग है वो वहाँ पे फीड करोगे, और साइमल्टेनियसली सिग्नल कंडीशनिंग का भी पार्ट उसी में ही एडिट रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है IR डिटेक्टर और सेंसर का। बेसिकली बस कंसेप्ट क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो हीट एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है, उसी को IR डिटेक्टर सेंस करेगा, ठीक। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं बेसिकली IR डिटेक्टर्स के, ठीक है। और एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है जो मैंने इस पर्टिकुलर स्लाइड में नहीं मेंशन किया है, आप टेक्निकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर सकते हो कि जो वेवलेंथ है ह्यूमन बॉडी, ठीक है, जिस पे मैक्सिमम रिस्पांस मिल सकता है वो वेवलेंथ है 9 से 10 माइक्रोमीटर। तो यू कैन राइट डाउन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, द वेवलेंथ एट विच द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ मैक्सिमम रिस्पांस इज 9 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट डिटेक्टर शुड आइडियली हैव अ कॉन्स्टेंट स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी इन द 3 to 20 माइक्रो इंफ्रारेड रेंज। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक। अब फोटो डिटेक्टर्स के बारे में बात करें तो फोटो डिटेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो उनके साथ क्या है कि जो इसका स्पेक्ट्रल रिस्पांस होता है वो हाईली लिमिटेड होता है एज़ कम्पेयर टू थर्मल डिटेक्टर्स, ठीक। और आपने कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल सुने होंगे, जैसे एक इंडियम एंटोमोनाइट एक करके है, ठीक है, जो कि इंफ्रारेड को बेसिकली जो इंफ्रारेड रेज आ रही है उनको डिटेक्ट करता है 2 से 6 माइक्रोमीटर। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सर्च करोगे तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल सकता है कि फ़ोटो डिटेक्टर्स कौन से हैं और थर्मल डिटेक्टर्स कौन से हैं, ठीक। तो काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है इंफ्रारेड डिटेक्टर्स के बारे में। इवन दो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट कमेंट, आई कैन प्रोवाइड यू सम सॉर्ट ऑफ स्टफ एज वेल, इधर इन टर्म्स ऑफ सम सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट एंड और IC नेम, ओके। ऑप्टिकल रेजोल्यूशन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी इंफ्रारेड रेज जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रेडिएट होती हैं और डिटेक्टर तक पहुंचती हैं तो इनका एक फील्ड ऑफ व्यू होता है और डिस्टेंस टू स्पॉट रेशियो होता है, ठीक है।
आमतौर पे अगर एग्जांपल लिया जाए, ठीक, कि अगर एक इंच का स्पॉट है, ठीक है, तो जो डिस्टेंस टू स्पॉट रेशियो है वहाँ पे उसको माना गया है 10:1. आप इस पॉइंट को ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि जो पॉइंट है एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। और ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, हायर द ऑप्टिकल रेजोल्यूशन द मोर एक्सपेंसिव द इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिक्स टेंड टू बी। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, और डिस्टेंस टू स्पॉट रेशियो को भी ध्यान पे रखना है, या फिर फील्ड ऑफ व्यू को ध्यान पे रखना है। और आप जब खरीदोगे कोई भी रिटेल साइट से इस तरीके के इंफ्रारेड गन्स, तो वहाँ पे आप स्पेसिफिकेशन लिखा होगा 1 से 2 इंच, तो ये डिस्टेंस के बारे में, ठीक। स्पॉट का भी कंसेप्ट इन्हीं से ही रिलेट करता है, वो स्पेसिफिकेशन में मेंशन होगा किस तरीके का मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ऑप्टिकल रेजोल्यूशन, डिस्टेंस टू स्पॉट रेशियो भी एक एसेंशियल पैरामीटर है जब हम फील्ड ऑफ व्यू के बारे में बात करते हैं, ठीक। की पॉइंट्स के बारे में देखिए, मैंने वही बताया है कि जो मेजरिंग डिस्टेंस है वो 1 से 2 इंच होना चाहिए, ठीक है। फोरहेड थर्मामीटर्स में बेसिकली ये क्लिनिकली टेस्ट हैं, जहाँ पे बेसिकली स्पॉट बना के और कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को चेक किया जाता है, ठीक है। और इस ओवरऑल पूरे जो इंफ्रारेड मेजरमेंट है, इनको काफ़ी एक्यूरेट माना गया है, ठीक है। और ऑडिबल अलर्ट्स भी हो सकते हैं, ट्रिगर भी हो सकते हैं सर्किटरी में। तो ये सब की पॉइंट्स हैं, जब भी आप कोई गन खरीदोगे, इंफ्रारेड थर्मामीटर की गन खरीदोगे, तो उसमें ये सारे स्पेसिफिकेशन मेंशन रहते हैं, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, उनको भी फॉलो कर रहा है या नहीं, वो तो वो भी सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं, ठीक। इस तरीके का कुछ एक सर्किटरी है, ओवरऑल जो इंफ्रारेड गन है आपको नज़र आएगी, जिसमें एक लेज़र डायोड है, IR टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है, पुश बटन है, 9 वोल्ट की बैटरी है, या फिर 2 AAA बैटरीज होंगी, ठीक है, 9 वोल्ट की बैटरीज है। अगर माइक्रो कंट्रोलर आपका सपोज करिए 3.5 से 5 वोल्ट पे काम कर रहा है, तो 9 वोल्ट से 5 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, तो वो भी सारी चीज़ें बहुत आसान है। एक वोल्टेज रेगुलेटर IC लगी होगी, तो 9 वोल्ट से 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगी वोल्टेज को, तो दैट इज़ नॉट अ बिग इशू, ठीक है। 9 वोल्ट की बैटरी कॉमनली यूज बैटरी है, तो और एक्सपेरिमेंटेड है। आप कहीं भी अगर आपको वोल्टेज कम ज़्यादा करना है, ठीक है, तो आप वोल्टेज रेगुलेटर IC को यूज़ करके चिप के फॉर्म में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उसको माउंट करके चीज़ों को अपने एज पर रिक्वायरमेंट यूज़ कर सकते हो। बट ओवरऑल इंफ्रारेड गन हमारी इसी तरीके की है जैसे आपके सामने बना हुआ है, ठीक। ओवरऑल ये स्ट्रक्चर है, ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर है। यही बेसिकली टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा जो भी इंफ्रारेड रेज आ रही होंगी ऑब्जेक्ट से, ठीक। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है। अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था कि डिटेक्टर के बाद हमारा पास एम्पलीफायर है, तो इसको प्री एम्पलीफायर भी कहा जा सकता है। उसके बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, ठीक। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल वैल्यूज है, माइक्रो कंट्रोलर जाना है तो डिजिटल माइक्रो कंट्रोलर यूनिट होगी या फिर RDNO होगा, ठीक। और इसी पर्टिकुलर यूनिट के अंदर आप सिग्नल कंडीशनिंग के भी बारे में बात कर सकते हो, ठीक। LCD ड्राइवर है यहाँ पे, ठीक है। PWM में पल्स विड मॉड्यूलेशन, बजर अलार्म के लिए ज़रूरत पड़ेगी हमको तो PWM की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और पावर मैनेजमेंट के यहाँ बैटरी के बारे में बात की, 9 वोल्ट की बैटरी है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा बहुत ईजी स्ट्रक्चर है। माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामेबल, आपको इसमें प्रोग्राम करना पड़ेगा, कन्वर्जन भी कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना या फॉरेनहाइट को डिग्री में करना, डिग्री सेल्सियस में करना है, तो ये सारी चीज़ें कन्वर्जन फैक्टर कर सकते हो। सारी को सबको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, कोई LCD का जो भी है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें आपके इनपुट आउटपुट पे हैं सबको पोर्ट के अकॉर्डिंगली आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तभी माइक्रो कंट्रोलर उन सारी चीज़ों को पोर्ट वाइज जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हैंडल करेगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है। दूसरा एक स्ट्रक्चर और मैंने गूगल इमेजेस से लिया हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इंफ्रारेड सेंसर के बारे में बात की हुई है। थर्मल डिटेक्टर्स यहाँ पे बेसिकली यूज़ किया गया है, ठीक है। थर्मोपाइल सेंसर है, ठीक है। तो यहाँ थर्मल डिटेक्टर्स यूज़ किए गए हमारे। एम्बियन टेम्परेचर है, थर्मिस्टर है, वोल्टेज डिफरेंस प्रोवाइड करके एम्पलीफायर है, मक्स यूनिट्स हैं, ADC है, EPROM है, माइक्रो कंट्रोलर कोर यूनिट है। तो मोर और लेस इस तरीके से भी आप एक सर्किटरी है जहाँ पे कंप्यूटर पे उस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हो, ठीक। नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपको बनाना है, ठीक है,
इंफ्रारेड थर्मामीटर्स के ऊपर, तो आपको जो कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो आर्डिनो प्रो मिनी की ज़रूरत पड़ेगी, MLX90614 मेलेक्सिस कंपनी का है, जो कि इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर है। ठीक है, यहाँ पे इस टेम्परेचर सेंसर में आपको आप डिटेक्ट भी कर रहे हो साइमल्टेनियसली, सिग्नल कंडीशनिंग का भी फ़ायदा आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक LED डिस्प्ले होगा, लेज़र डायोड की ज़रूरत है, 9 वोल्ट बैटरी होगी या फिर आप 2AA बैटरी यूज़ कर सकते हो। पुश बटन है, बैटरी क्लिप है और हमारे कनेक्टिंग वायर्स हैं। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके एक नॉर्मल सा इंफ्रारेड थर्मामीटर का प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। मेन आपको क्या करना है, आर्डिनो प्रो मिनी की जो प्रोग्रामिंग है उसको थोड़ा सा ध्यान देना है, उस पर वो सही रहेगी। और तमाम ऐसे ओपन सोर्सेज हैं जहाँ पर आपको कोड्स मिल जाएंगे, आप उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक मैं आपको बताता हूँ Adafruit, तो या इसको आप यूज़ करके यहाँ से कोड को यूज़ कर सकते हो और चीज़ों को आसानी से माउंट कर सकते हो। इधन अगर आपको PCB नहीं बनानी है तो आप रेड बोर्ड पर इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक, तो मोर और लेस मुझे लगता है कि इंफ्रारेड टेम्परेचर डिटेक्टर्स या फिर इंफ्रारेड थर्मामीटर्स के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा, नॉन कॉन्टैक्ट है। ठीक, अच्छा एक मैं आपको जैसे ये प्रेजेंटेशन ओवर हो गया तो मैं आपको बहुत की ड्रॉबैक है इसका वो मैं बता देता हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है कि जो मरकरी थर्मामीटर्स होते हैं ये बॉडी का कोर टेम्परेचर मेज़र करते हैं। ठीक है, कोर टेम्परेचर इसलिए मेज़र करते हैं क्योंकि बॉडी के इनसाइड में प्लेस होते हैं, जैसे माउथ के अंदर या फिर रेक्टम के अंदर। ठीक, तो ऐसे केसेस में क्या है कि बॉडी का कोर टेम्परेचर रहेगा वो। ठीक, बट जैसे ये नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर्स हैं ये बेसिकली बॉडी के सरफेस के टेम्परेचर को मेज़र कर रहे हैं, तो इनका ड्रॉबैक ये है कि सपोज़ करिए अगर किसी को फीवर है, ठीक है, तो बॉडी की मेटाबॉलिज्म इस तरीके की है, अगर वो फीवर है तो बॉडी कोशिश ये करेगा कि वो उस बुखार को उतारने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर आपने कुछ एंटीपायरेटिक्स यूज़ की हुई हैं, ठीक है, या फिर बॉडी का एक सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म होगा, वो बॉडी की जो हीट होगी एक्सेसिव उसको रिलीज़ करेगा। तो जब बॉडी की एक्सेसिव हीट रिलीज़ होती है तो आप स्वेटिंग हो सकती है आपको, तो उससे होगा कि आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कुछ समय के लिए घट जाएगा। तो अगर आप इंफ्रारेड टेम्परेचर थर्मामीटर से उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेज़र कर रहे हो जो सरफेस का टेम्परेचर है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपका जो कोर टेम्परेचर है वो ना आके आपका एक सरफेस टेम्परेचर, जो कि एक तरीके का आप कह सकते हो फॉल्स रिजल्ट भी दे सकता है। तो वी कैन नॉट सॉलिडली और ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन दीज इंफ्रारेड थर्मामीटर्स। ओके, सो ये भी एक की इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, बट कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान हमको नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर्स यूज़ करने हैं, इसलिए ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल भी है। ठीक है, अगर आप 2 या 3 या 4 मेज़रमेंट लें तब और उसकी एवरेजिंग निकालें तब आपको कुछ आइडिया लग सकता है कि हाँ ये टेम्परेचर मेज़रमेंट रेंज है और ये इस तरीके से आ रही, 5 केसेस लिए, 5 केसेस में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के 5 केसेस लिए कुछ कुछ इंटरवल्स में और उनका एवरेज निकाला, तो मोर और लेस आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इसमें जो वेरिएशन है वो कम है या ज़्यादा है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है किसी एक रीडिंग में टेम्परेचर क्या आ जाए, ज़्यादा आ जाए। तो नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर्स जो हैं ये, इनका ड्रॉबैक यही है कि ये बॉडी के कोर टेम्परेचर को मेज़र नहीं करते। ठीक, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आने वाला जो अगला वीडियो होगा वो बेसिकली अल्ट्रासोनिक मेज़रमेंट्स के ऊपर बनाएंगे और इस यूनिट को वाइंड अप करेंगे। और अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और यार सब लोग भाई इसको लाइक करो चैनल को। ठीक है, क्योंकि 1-2 साल से मैं लगातार एजुकेशनल वीडियोस डाल रहा हूँ और मैं अभी आप लोगों से कहता नहीं हूँ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करने के लिए, बट आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे लाइक करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे वीडियोस लाऊंगा और इम्प्रूव करना चाहूँगा अपना यूट्यूब चैनल। ठीक है, बाई एडिंग मोर एनिमेशंस एंड 3D पिक्चर्स, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, रिकमेंड एंड प्रेस द बेल आइकन।